Done? Live? Okay. Voice clear? Okay. Getting live. Hum bhi on kar le? Yep. Okay. चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो आज हम लोग बात करेंगे मैमिलियन फर्टिलाइजेशन के बारे में. बात करेंगे, जल्दी जल्दी से रिवाइज करना है आज हम लोगों को. मैमिलियन फर्टिलाइजेशन को खत्म करना है ना. गुड आफ्टरनून संदीप जी, शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए. हाँ, और भी लोगों को बुला लीजिए, और भी सभी को बुला लीजिए. है ना. गुड आफ्टरनून भास्कर जी, गुड आफ्टरनून रिया, गुड आफ्टरनून पुनीत, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून नयन जी, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रजत चौधरी, गुड आफ्टरनून. तो पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है. कल के लेक्चर से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों के या नहीं, बताइए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं. एवरी टॉपिक फ्रॉम यू. ओके, थैंक यू एनजी जी, थैंक यू. गुड आफ्टरनून स्नेहा, गुड आफ्टरनून एंज बायो. चलिए, गुड आफ्टरनून. तो आप सभी लोग, आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मैमिलियन फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे. फर्टिलाइजेशन, मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. कल हमने डिस्कस किया था सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन के बारे में. अच्छा, सॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस. और कुछ नहीं करना है, बस रिविजन करना है ना, सारी यूनिट्स को रिवाइज करना है. चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग मैमल्स फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं. क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, क्या क्या पढ़ेंगे. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मैमल्स में. फिर मैमिलियन एग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. स्पर्म ट्रांसलोकेशन और कैपेसिटेशन, कैसे गैमिट्स आपस में फ्यूज होते हैं, उसके लिए एग तक स्पर्म कैसे पहुंचता है, उसके बारे में बात करेंगे. स्पर्म का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, स्पर्म का कैपेसिटेशन कैसे होता है, मतलब जितना भी स्पर्म के हेड पर जो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स फैट बॉडीज होती हैं, उनका रिमूवल कैसे होता है. एक्रोसोम रिएक्शन कैसे होता है, कैसे स्पर्म जो होता है वो जोना पैलुसिडा को रिकोगनाइज कर पाता है और उससे बाइंड कर पाता है. और गैमिट फ्यूजन, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, एंड सबसे लास्ट में क्या होता है, प्रोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है. तो ये सारा आज पूरा हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैमल फर्टिलाइजेशन से, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना. ठीक है, चलिए. गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून शुजा जी, हम बिल्कुल ठीक है. गुड आफ्टरनून आचल, गुड आफ्टरनून प्रभजोत, गुड आफ्टरनून विश्वजीत जी. चलिए शुरू करते हैं. तो पहले पूरे फर्टिलाइजेशन मैमल्स के, मैमल में होने वाले फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा समराइज करते हैं. कैसे समराइज करते हैं, कल हमने बात करी थी विटेलाइन एनवेलप की, और हमने बताया था कि सी अर्चिन के एग में जो विटेलाइन एनवेलप होता है, ये किसके सिमिलर होता है, मैमल्स में जोना पैलुसिडा के सिमिलर होता है. डिफरेंस बस इतना होता है कि विटेलाइन एनवेलप जो होता है वो थिन होता है, थिन लेयर होती है, जबकि जोना पैलुसिडा कंपैरेटिवली थिक लेयर होती है ना. तो ये जोना पैलुसिडा है एग की, और ये जोना पैलुसिडा के ऊपर क्या है, क्यूमुलस मैट्रिक्स है. तो सबसे पहले स्पर्म क्या होगा, स्पर्म कहां पहुंचेगा, इस मैट्रिक्स के पास पहुंचेगा. फिर उसके बाद ये स्पर्म जोना प्रोटीन से इंटरेक्ट होगा, जोना प्रोटीन से अलग अलग, जोना प्रोटीन अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए स्पर्म से इंटरेक्ट होती हैं. देन उसके बाद एक्रोसोम रिएक्शन होगी, डर्म, देन उसके बाद क्या होगी, जोना लिसिस होगी, और उसके बाद स्पर्म और एग सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाएगा. किस तरीके से ये पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, एक एक स्टेप में समझते हैं.
तो मैमिलियंस में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. सी अर्चिन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, गैमिट्स का फ्यूजन बॉडी के बाहर हो रहा था. यहां पर गैमिट्स कहां पर फ्यूज होंगे? फीमेल बॉडी में फ्यूज होंगे. फीमेल बॉडी के अंदर होगा फ्यूजन फर्टिलाइजेशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना. सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? हेट्रोजिनिटी ऑफ स्पर्म पॉपुलेशन. हेट्रोजिनिटी ऑफ स्पर्म पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म्स क्या जब वजाइना में इजैकुलेट होते हैं तो उस टाइम पर जितने भी स्पर्म होते हैं वो अपने मैच्यूरेशन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर होते हैं. तो इसी को क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनिटी. मैमल्स के केस में जो हमें एग का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एग का स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो इस तरीके से होता है. देखिए ये क्या है, ये ओवम है. ओवम, ओवम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? ओवम के ऊपर जोना पैलुसिडा. ओवम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? जोना पैलुसिडा लेयर प्रेजेंट होती है. जोना पैलुसिडा के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? क्यूमुलस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. क्यूमुलस, ये बेसिकली जो क्यूमुलस मैट्रिक्स होता है, दीज आर बेसिकली ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स. ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स, ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स, ये इस तरीके से दिखता है हमको. ये सारी ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स इस तरीके से नजर आती हैं. और इस क्यूमुलस की जो इनर लेयर होती है, क्यूमुलस की इनर लेयर जो होती है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा. तो मैमिलियन एग का स्ट्रक्चर, मैमिलियन एग का स्ट्रक्चर सी अर्चिन के एग के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सबसे पहले ओवम होता है. ओवम के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? ओवम के ऊपर जोना पैलुसिडा लेयर होती है और जोना पैलुसिडा लेयर के ऊपर क्यूमुलस मैट्रिक्स. क्यूमुलस मैट्रिक्स, क्यूमुलस मैट्रिक्स, क्यूमुलस मैट्रिक्स की जो इनर लेयर होती है, क्यूमुलस मैट्रिक्स की जो इनर लेयर होती है, दैट इज कोरोना रेडिएटा. उसे क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा. ओवम, जोना पैलिसिडा, क्यूमुलस एंड कोरोना रेडिएटा, ये मैमिलियन एग का स्ट्रक्चर होता है. मैमिलियन एग का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. क्यूमुलस मैट्रिक्स का, ओवम के ऊपर क्यूमुलस मैट्रिक्स जो ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, इनका डिपोजिशन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही हेल्प करती है अल्टीमेटली किसमें? फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करती है, और ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो फिम्बरी से पिक करने में भी, क्यूमुलस ऊसाइट, क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स को पिक करने के लिए फिम्बरी जो होती है वो रेडी होती है. अगर ये क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स रिमूव कर दिया जाए ओवम से तो उस केस में क्या होगा? ओव्यूलेशन के दौरान जो फिम्बरी होगी वो ओवरी से ओवम को पिक नहीं कर पाएगी. ये इस फिगर को देखिए, ये बात और अच्छे से समझ में आएगी. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का स्ट्रक्चर है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का स्ट्रक्चर है. ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सर्विक्स. इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सर्विक्स. सर्विक्स से धीरे इससे आगे बढ़ते हैं. ये रीजन क्या होता है? यूटरस. यूटरस जहां पर इम्प्लांटेशन होता है. देन ओविडक्ट. ओविडक्ट में ये इस रीजन को क्या बोलते हैं? स्थमस रीजन बोलते हैं. ये रीजन नैरो रीजन होता है. देन उसके बाद यहां पर एक स्वेलन रीजन होता है, जैसे एम्पुलरी रीजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एम्पुलरी रीजन बोलते हैं. और इसी एम्पुलरी रीजन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. तो ओवरी से ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहे होंगे, इन्हें फिम्बरी बोलते हैं. तो जब ओवरी से ओव्यूलेशन के बाद ओवम रिलीज होता है तो ये फिम्बरी क्या करती है? इस ओवम को पिक करती है. लेकिन सिर्फ ओवम को नहीं, ओवम क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स को पिक करती है. जो ऊसाइट क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स होता है उसको पिक करती है. और इन फिम्बरी के मूवमेंट की वजह से ये ओवम मूव करके कहां पहुंचता है? एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है और वहां पर स्पर्म से मीट करके फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है. तो फीमेल मैमिलियन फर्टिलाइजेशन के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां पर होता है? एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट.
कहां पर होगा? एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट. ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है. मैमिलियन फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन गैमिट्स का फ्यूजन कहां पर होता है? एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट. क्लियर? ये बात समझ में आती है सभी को? बताइए, इतना क्लियर है सभी को? गुड आफ्टरनून अजीत जी, गुड आफ्टरनून विकास जी. डेवलपमेंट, नेमाटोड्स डेवलपमेंट. ओके ओके भास्कर जी, बिल्कुल. आप लोग लेक्चर, जो भी हमारा लेक्चर अटेंड करते हैं, लेक्चर को देखने में आप लोगों को जो भी, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक है जो पढ़ना है, या लेक्चर में आप लोगों को कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी लगता है, वो आप अपने कमेंट्स में जरूर बताया करिए. ठीक है, बिल्कुल, हम नेमाटोड्स डेवलपमेंट की भी बात करेंगे. ओके सुजा जी, ओके भास्कर जी, चलिए. तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है. The meeting of a sperm and egg must be facilitated by the female reproductive tract. Female reproductive tract में भी कहां पर? Ampulla of the oviduct. Different mechanisms are used to position the gametes at the right place at the right time. A mammalian oocyte just released from the ovary is surrounded by a matrix containing cumulus cells. And this cumulus cells are the cells of ovarian follicles to which the developing oocyte was attached. तो cumulus matrix जो होती है वो क्या होती है? Ovarian follicular cells होती है. अब humans के केस में अगर हम बात करें तो एक बार में ejaculation के time पर 3 to 3.5 ml of semen में अप्रोक्स 200 to 300 million sperms इजैकुलेट होते हैं वजाइना में. 200 to 300 million sperms क्यों होते हैं? स्पर्म्स का नंबर इतना ज्यादा होने का रीजन ये भी होता है कि ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नंबर ऑफ बैरियर्स को फेस करते हैं, और इन में से, इन इन मिलियन स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म ऐसा होता है जो किससे फ्यूज कर पाता है? एग से फ्यूज कर पाता है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म्स को बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है एग तक पहुंचने के लिए. तो इन 200 to 300 million स्पर्म में से अप्रोक्स 200 स्पर्म्स जो होते हैं जो ओविडक्ट रीजन में पहुंच पाते हैं, और उन 200 में से भी कोई एक स्पर्म ऐसा होता है जो एग से फ्यूज कर पाता है. चलिए देखिए, अब अगर हम बात करें स्पर्म के ट्रांसलोकेशन की, स्पर्म वेजाइना में इजेकुलेशन के बाद स्पर्म्स जो होते हैं वो सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू ओविडक्ट रीजन तक, यानी कि एग के पास तक अपने मूवमेंट को शुरू करते हैं. तो स्पर्म के ट्रांसलोकेशन में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं अगर हम उसके बारे में बात करें, तो यहां पर देखिए तीन प्रोसेसेस दिए हुए हैं. द ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वजाइना टू द ओविडक्ट इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस दैट वर्क एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस. थैंक यू प्रियंका जी. प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी का वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशन, वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशन का लेक्चर पढ़ा हुआ है मासूमी जी, आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा. ओके. मीजोडर्मल डिफरेंशिएशन भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे. गुड आफ्टरनून सुमित जी. अर्ली डेवलपमेंट वाला पार्ट जरूर पढ़ाएंगे प्रभजोत जी. सी अर्चिन के अर्ली डेवलपमेंट का पार्ट, और मैमल्स में अर्ली डेवलपमेंट कैसे होता है, क्लिवेज कैसे होता है, कौन कौन सा पाथवे मैमल्स के केस में हमें जो पाथवे देखने को मिलता है, दैट इज हिप्पो पाथवे, और उससे अभी दिसंबर में क्वेश्चन आया हुआ था. तो हम लोग अर्ली डेवलपमेंट, मैमल और सी अर्चिन दोनों का डिस्कस करें. ठीक है, चलिए. अब डिफरेंट प्लेसेस, सबसे पहले बात करें स्पर्म मोटिलिटी की. सेकेंड केस, सेकेंड जो प्रोसेस होता है दैट इज यूटेराइन मसल कॉन्ट्रेक्शन, एंड थर्ड प्रोसेस इज स्पर्म रियोटैक्सिस. स्पर्म मोटिलिटी, जब स्पर्म इजैकुलेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्पर्म के जो फ्लैजुलर मूवमेंट होती है उसकी वजह से स्पर्म मूव करते हैं, लेकिन उतनी इफिशियंटली मूव नहीं कर पाते क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी उतना इफिशियंटली काम नहीं कर पाती है स्पर्म के मूवमेंट में. स्पर्म के मूवमेंट में यूटेराइन मसल कॉन्ट्रेक्शन भी काम करते हैं, यूटेराइन मसल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से भी स्पर्म का मूवमेंट होता है. बट
जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम करते हैं दैट इज स्पर्म रियोटैक्सिस. स्पर्म रियोटैक्सिस. स्पर्म रियोटैक्सिस के केस में क्या होता है, स्पर्म रियोटैक्सिस के केस में कैल्शियम आयन चैनल्स, स्पर्म की टेल्स में जो कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं उनके ओपन हो जाने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयन अंदर जाने लगते हैं और स्पर्म क्या होता है, वेजाइना से सर्विक्स के थ्रू होते हुए कहां पहुंच जाता है, ओविडक्ट रीजन तक पहुंच जाता है. रियोटैक्सिस के केस में जो स्पर्म रियोटैक्सिस की कंडीशन होती है इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम आयन चैनल्स स्पर्म की टेल में ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से स्पर्म मूव करता हुआ कहां पर पहुंचता है, ओविडक्ट रीजन तक पहुंचता है. तो स्पर्म मोटिलिटी हमको अगर मैमिलियन के केस में बात करें तो स्पर्म मोटिलिटी का जो स्पर्म मोटिलिटी ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में सबसे ज्यादा इफिशियंटली वहां पर वर्क करती है जहां पर प्रोमिस्क्यूअस सिस्टम होता है. सभी ने पढ़ा होगा इकोलॉजी में प्रोमिस्क्यूअस सिस्टम के बारे में. प्रोमिस्क्यूअस सिस्टम में आपको पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी की कंडीशन देखने को मिलती है. पॉलीएंड्री का मतलब जब कई सारे, जब एक फीमेल कई सारे मेल से मेट करते हैं, और पॉलीगाइनी का मतलब जब एक मेल कई सारी फीमेल से मेट करता है. तो अगर प्रोमिस्क्यूअस सिस्टम का केस देखें तो अगर कोई फीमेल कई सारे मेल्स के साथ मेट कर रही है तो सेम मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो थ्रू द एक्रोसोमल कैप एक दूसरे से इंटरैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से इनकी जो मोर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है. ये एज अ एक स्पर्म ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से इनकी मोर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और इससे भी स्पर्म के ट्रांसलोकेशन में हेल्प मिलती है. लेकिन ये इफिशियंट तब होता है जब प्रोमिस्क्यूअस सिस्टम का केस होता है. नॉर्मली स्पर्म मोटिलिटी के साथ साथ स्पर्म के ट्रांसलोकेशन में यूटेराइन मसल कॉन्ट्रेक्शन और स्पर्म रियोटैक्सिस का बहुत बड़ा रोल होता है. तो ये तो हो गई ट्रांसलोकेशन की बात. अब बात करते हैं किसकी, कैपेसिटेशन की. कैपेसिटेशन की जब स्पर्म ओविडक्ट रीजन तक पहुंच जाता है, जब स्पर्म ओविडक्ट रीजन तक पहुंच जाता है, इस रीजन तक पहुंच जाता है, अब यहां पर क्या होता है, स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है. कैपेसिटेशन के प्रोसेस में क्या होता है पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए. कैपेसिटेशन के प्रोसेस से क्वेश्चन आ सकता है. चलिए देखिए, न्यूली इजैकुलेटेड स्पर्म कैन नॉट फर्टिलाइज एन एग, दे आर इमेच्योर, द सेल्स ऑफ द ओविडक्ट इंड्यूस द स्पर्म टू मैच्योर एंड मैमिलियन स्पर्म कंप्लीट देयर डेवलपमेंट इन द फीमेल ओविडक्ट्स. This maturation is called capacitation. मतलब gaining the capacity of fertilization. Sperm capacitation के बाद egg को fertilize करने के लिए capable हो जाता है. Capacities कौन कौन सी होती है, recognizing the cues that will guide them to the egg, undergoing the acrosome reaction and fusing with the egg cell membrane. तो जब एक बार स्पर्म का कैपेसिटेशन हो जाता है तब स्पर्म क्या करता है, एग के से रिलीज होने वाले जो भी केमोटैक्टिक मॉलिक्यूल है उनको सेंस कर पाता है. क्यों, क्योंकि जो अनकैपेसिटेटेड स्पर्म्स होते हैं उनके हेड पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और फैट बॉडीज का बहुत सारा एक्यूमुलेशन होता है और उस एक्यूमुलेशन की वजह से जो स्पर्म होते हैं, अनकैपेसिटेटेड स्पर्म होते हैं, वो किसी भी कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स या किसी थर्मल ग्रेडियंट को सेंस नहीं कर पाते. और जब तक स्पर्म एग से रिलीज होने वाले कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल या उस एरिया में जो थर्मल ग्रेडियंट है, थर्मोटैक्सिस है, उसको अगर सेंस नहीं कर पाएंगे तब तक वो स्पर्म एग तक नहीं पहुंचेंगे. तो अनकैपेसिटेटेड जो स्पर्म होते हैं वो कभी भी इन सब प्रोसेसेस को, मतलब कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स को सेंस नहीं कर पाते. तो ये कैपेसिटी इनके अंदर आ जाती है कि ये क्या कर पाते हैं, डायरेक्शनल क्यूज को सेंस कर पाते हैं जो इन्हें एग के पास पहुंचाती है. अंडरगोइंग द एक्रोसोम रिएक्शन, जब स्पर्म एग के पास पहुंचेगा, क्यूमुलस के कॉम्प्लेक्स में आएगा, तब एक्रोसोम रिएक्शन इनिशिएशन होगा. एंड देन उसके बाद क्या होगा, एग सेल मेम्ब्रेन, जब जोना पेलुसिडा से बाइंडिंग होगी तब एग सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा. तो कभी भी किसी भी एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म को क्या होना पड़ेगा, कैपेसिटेट होना पड़ेगा. स्पर्म का क्या होना जरूरी है, कैपेसिटेशन. ओके, हाँ ठीक है.
इसके बाद और कोई लेक्चर है? चलिए मौसमी जी हम देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। हाँ, रियोटैक्सिस इज अ लॉन्ग रेंज मैकेनिज्म, रियोटैक्सिस लॉन्ग रेंज में काम करती है। चलिए, और अगर स्पर्म का कैपेसिटेशन ना हो तो स्पर्म that are not capacitated are held up in the cumulus matrix and are unable to reach the egg, कभी भी egg तक नहीं पहुंचेंगे। तो देखिए ये वाला figure देखिए, जब sperm, हमने बताया isthmus region क्या होता है, बहुत narrow region होता है, और इस region में epithelial cells, बहुत सारी epithelial cells present होती है। तो जब sperm यहाँ पर बहुत सारे sperm पहुंचते हैं तो ये epithelial cells क्या करती है, sperm से bind कर जाती है। ये जो स्थमस रीजन होता है ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन में कैसे इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे ऐसे स्पर्म जो जिनका कैपेसिटेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, जो अपने मैच्यूरेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते, वो इसी ये इस एपिथेलियल बाइंडिंग से खुद को रिमूव नहीं करा पाते हैं और वो यहीं पर डाई ऑफ कर जाते हैं। तो ये जो स्थमस रीजन होता है ये प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी में भी काम करता है। लेकिन कुछ स्पर्म जो जिनका यहां पर कैपेसिटेशन कंप्लीट हो जाता है, वो स्पर्म कैसे हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जब स्पर्म का कैपेसिटेशन हो जाएगा देन स्पर्म कैसे हो जाएंगे, हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, फ्लैजेला के मूवमेंट के थ्रू, फ्लैजेला के विपिंग के थ्रू इस एपिथेलियल बाइंडिंग से खुद को रिमूव करा लेंगे, और कहां मूव करने लगेंगे, एग की तरफ मूव करने लगेंगे। तो ये जो स्थमस रीजन में ये जो एपिथेलियल बाइंडिंग होती है ये क्या करती है, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी में भी हेल्प करती है और स्पर्म के कैपेसिटेशन में, क्योंकि यहां पर जब स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है तो स्पर्म की लाइफ स्पॉन भी बढ़ जाती है। लेकिन जिनका मैच्यूरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, जो स्पर्म कैपेसिटेट नहीं हो पाए, वो इसी रीजन में डाई ऑफ कर जाते हैं। ओके, अब बात करेंगे मॉलिकुलर प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन की, मॉलिकुलर प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन की। यस, अनकैपेसिटेटेड स्पर्म डाई ऑफ एट स्थमस रीजन। गुड आफ्टरनून आलम जी, गुड आफ्टरनून। अब आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आलम जी, मैंने देखा हुआ है, थैंक यू सो मच। चलिए देखिए मॉलिकुलर प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन के दौरान होता क्या है, जब स्पर्म में कैपेसिटेशन इनिशिएट होता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, स्पर्म के सेल मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स करवाती है। कोलेस्ट्रॉल कैसे होते हैं, जहां पर भी याद रखिएगा, सभी ने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन पर जहां पर भी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड्स, स्पोंगोलिपिड्स हमें नजर आते हैं, वो रीजन कैसा होता है, टेम्परेचर से लीस्ट अफेक्टेड रीजन होता है, और इस यहां पर क्या फॉर्म होते हैं, लिपिड राफ्ट्स फॉर्म होते हैं, और ये रीजन लीस्ट अफेक्टेड होने के कारण इसी रीजन में क्या मोस्टली रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो क्या करती है, वो कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स करा लेती है स्पर्म सेल मेम्ब्रेन से। जब स्पर्म सेल मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स हो जाता है तो जितनी भी रिसेप्टर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन पर होती हैं, वो स्पर्म हेड पर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और वो क्या हो जाती है, अनमास्क हो जाती हैं, किससे बाइंड होने के लिए, जोना से बाइंड होने के लिए। जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो अनमास्क हो जाते हैं जोना पेलुसिडा से बाइंड होने के लिए। दूसरी तरफ क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स पॉजिटिवली रेगुलेट्स द बाइकार्बोनेट चैनल्स एंड कैल्सियम आयन चैनल्स विच इज प्रेजेंट इन द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स की वजह से स्पर्म सेल मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स के होने के कारण स्पर्म सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट बाइकार्बोनेट आयन चैनल्स एंड कैल्सियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और इनकी और उनसे बाइकार्बोनेट और कैल्सियम आयन अंदर आने लगते हैं। कहां आने लगते हैं, अंदर आने लगते हैं। इसके एवरेज में पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिनसे पोटेशियम आयन कहां जाने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं। बाइकार्बोनेट आयन एंड कैल्सियम आयन क्या करते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करवाते हैं, विच कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी, जैसे ही साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ता है सेल में, वैसे ही क्या हो जाता है, प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन हो जाता है। प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, काइनेज है तो फॉस्फोराइलेशन करेगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन काइनेसेस। और जब बहुत सारी प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये स्पर्म प्रोटीन्स
फॉस्फोराइलेट होकर क्या हो जाते हैं, जैसे ही इन स्पर्म प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन होता है, स्पर्म का कैपेसिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इन फॉस्फोराइलेशन में जो प्रोटीन आती है दैट इज इज्यूमो, इज्यूमो ये गैमेट फ्यूजन में इन्वॉल्व होती है ये प्रोटीन, और कैपेसिटेशन प्रोसेस, कैपेसिटेशन की मैकेनिज्म के दौरान इस प्रोटीन का भी फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसकी वजह से इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है अप ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म। तो ये प्रोटीन जो होती है वो गैमेट फ्यूजन में इन्वॉल्व होती है। दूसरी तरफ बढ़ी हुई कैल्सियम आयन कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, डायनिन एक्टिविटी इंक्रीज होती है। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है डायनिन एक्टिविटी का क्या काम होता है स्पर्म की मूवमेंट में। कल हमने बात करी थी कि डायनिन क्या करते हैं, डायनिन एटीपीएस होते हैं जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है वो क्या होने लगती है, जो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं वो स्लाइड करने लगते हैं और स्पर्म जो फ्लैजिला होता है बेंड करने लगता है और स्पर्म का क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। तो डायनिन एक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब स्पर्म का मूवमेंट बढ़ जाएगा, स्पर्म कैसा हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिवेशन स्पर्म स्विम विद इंक्रीज स्पीड एंड फोर्स। तो हाइपर एक्टिव स्पर्म कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्पीड और फोर्स के साथ ट्रेवल करना शुरू करते हैं। क्लियर? मॉलिक्यूलर प्रोसेस में यस, बाइंडिंग का क्या रोल है शेख जी? गुड आफ्टरनून शैलेन जी। ओके, नो आलिम जी, मैं बेस्ट टीचर, मैं तो आप लोगों को सिर्फ गिलबर्ट की बुक एक्सप्लेन करती हूँ, है ना शेख जी? बाइंडिंग का सी अर्चिन में रोल है, यहाँ पर कोई रोल नहीं है शेख जी। बाइंडिंग का जो इम्पोर्टेंट है वो सी अर्चिन में है। बाइंडिंग इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन विच इज अ प्रेजेंट ऑन द एक्रोसोमल प्रोसेस ऑफ सी अर्चिन स्पर्म, और वो किसमें हेल्प कराती है, स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग में हेल्प कराती है। तो यहां पर बाइंडिंग का कोई रोल नहीं है। ओके शेख जी, ओके हाँ, ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल, मौसमी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक ओके हाँ, गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। यस, कैल्सियम आयन की एक्टिविटी से, कैल्सियम आयन की एंट्री की वजह से, कैल्सियम आयन इन्फ्लक्स की वजह से शुजा जी डायनिन की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है हाँ ओके। चल अब बात करते हैं किसकी, स्पर्म का कैपेसिटेशन का प्रोसेस। सभी को क्लियर है, बताइए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? अभी कोई डाउट हमें रखना भी नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम देना है ना, और बहुत कम टाइम है, तो प्लीज बताइए सभी को ये प्रोसेस क्लियर है, सभी को ये प्रोसेस क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज आंसर मी, सभी को ये प्रोसेस क्लियर है? ओके डन। तो कैपेसिटेटेड स्पर्म जो होंगे वो क्या करेंगे, अब वो सेंस कर पाएंगे किसको, थर्मल डिफरेंस को भी सेंस कर पाएंगे और कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स को भी सेंस कर पाएंगे। तो हमने बात की, जैसे ही स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है कैल्सियम आयन के इंक्रीज होने की वजह से, कैल्सियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, स्पर्म हाइपर एक्टिव हो जाता है। स्पर्म कैसा हो जाता है, उसमें डायनिन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, याद रखिएगा डायनिन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देन मोर्टिलिटी पैटर्न्स इन द ओविडक्ट एंड सम स्पीसीज हाइपर एक्टिवेटेड मोर्टिलिटी एंड हायर वेलोसिटी ग्रेटर फोर्स। और स्पर्म क्या होता है, खुद को, जब स्पर्म हाइपर एक्टिव हो जाता है तो खुद को क्या करता है, जो एपिथेलियल सेल्स जो बाइंड रहती है स्पर्म के साथ, उससे खुद को, एपिथेलियल बाइंडिंग से खुद को रिमूव कराता है और कहां, ओविडक्ट एम्पुलरी रीजन की तरफ बढ़ना शुरू करता है। स्पर्म जो होता है किधर मूव करने लगता है, एम्पुलरी रीजन की तरफ मूव करने लगता है। अब जब एम्पुलरी रीजन की तरफ बढ़ता है स्पर्म, तब वहां पर एक प्रोसेस और होता है, दैट इज थर्मोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस का प्रोसेस कैसे होता है, क्या लिखा हुआ है, एम्पुला ऑफ ओविडक्ट इज 2 degrees Celsius वार्मर देन इस्थमस। इस्थमस के कंपैरिजन में एम्पुला जो होता है, एम्पुलरी रीजन जो होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होना होता है, वो कैसा होता है, वार्मर रीजन होता है।
कंपैरेटिवली स्थमस के एम्पुलरी रीजन जो होता है वो वार्मर रीजन होता है। और याद रखिएगा कैपेसिटेटेड स्पर्म्स जो होते हैं वो माइनर से माइनर टेम्परेचर डिफरेंस को भी सेंस कर लेते हैं। यहां पर तो 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर 0.014 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर डिफरेंस होता ना, तब भी कैपेसिटेटेड स्पर्म इस डिफरेंस को क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। और इस डिफरेंस को, इस थर्मल डिफरेंस को सेंस करते हुए स्पर्म्स जो होते हैं वो कूलर टू वार्मर रीजन की तरफ मूव करने लगते हैं। ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन रिस्पॉन्ड थर्मोटैक्टिकली, ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म्स जो होंगे वो ओके ऑल द बायो लेक्चर्स एंड थैंक यू मौसमी जी, थैंक यू, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों की जो अप्रिशिएशन होता है वो हम लोगों को मोटिवेट करता है। इस थर्मोटैक्सिस इज मॉडरेट रेंज, यस शुजा जी ने एकदम अच्छे से मतलब मेरे लेक्चर्स के नोट्स बनाए हुए हैं ना शुजा जी, थैंक यू शुजा जी। नमस्ते प्रभात जी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप बायो, ओके थैंक यू सो मच, हाँ आई एम थैंकफुल टू यू, ओके ठीक है प्रभात जी। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और जितना भी आपको जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। आप प्लीज फील फ्री टू कॉल अस, ओके प्रभात जी हम लोगों को कॉल कर लीजिएगा आप। चलिए तो थर्मोटैक्सिस के प्रोसेस में क्या होगा, थर्मोटैक्सिस के प्रोसेस में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा स्पर्म उसको सेंस कर पाएगा, स्थमस टू एम्पुलरी रीजन जो कूलर टू वार्मर टेम्परेचर होगा उसको कैपेसिटेटेड स्पर्म सेंस कर पाएंगे, लेकिन अनकैपेसिटेटेड स्पर्म इस थर्मल डिफरेंस को सेंस नहीं कर पाते हैं कभी भी, है ना। कीमोटैक्सिस नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा दैट इज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या था, हम लोगों ने सी अर्चिन में भी कीमोटैक्सिस का प्रोसेस पढ़ा था कि एग जेली से क्या रिलीज हो रहे थे, कीमोटैक्टिक कंपाउंड रिलीज हो रहे थे, स्पर्म एक्टिवेटिंग या स्पर्म अट्रैक्टिंग कंपाउंड पेप्टाइड रिलीज हो रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, स्पर्म को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे थे। इसी तरीके से मैमल्स के केस में, बस डिफरेंस एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में ये होता है कि वहां पर स्पीसीज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल काम करते हैं, ताकि क्या हो पाए, ताकि इंटर स्पीसीज फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी आप जो फर्टिलाइजेशन है मतलब दूसरे एग को या दूसरे स्पर्म, कोई दूसरी स्पीसीज का स्पर्म किसी दूसरी स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज ना कर पाए, इसके लिए बैरियर, इसके लिए बैरियर बनाने के लिए क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक रिकग्निशन होता है। लेकिन मैमल के फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के कारण स्पीसीज स्पेसिफिक जैसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो कीमोटैक्सिस का केस में क्या होता है, ऊसाइट और क्यूमुलस सेल्स जो होती है वो क्यूमोटैक्टिक कंपाउंड को रिलीज करती है, और इन क्यूमोटैक्टिक कंपाउंड्स को फॉलो करते हुए जो स्पर्म होता है वो एग के पास पहुंचता है। तो जो अभी तक जो क्यूमोटैक्टिक कंपाउंड्स जो भी देखे गए दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन भी ऐसा क्यूमोटैक्टिक कंपाउंड काम करते हैं, और माउस के केस में, ह्यूमंस के केस में प्रोजेस्ट्रॉन, और माउस के केस में हमको जो देखने को मिलता है दैट इज CRISP1, इट फंक्शंस थ्रू द कैट्सपर कैल्शियम आयन चैनल्स। तो ये दोनों कीमोटैक्टिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये ऊसाइट क्यूमुलस से रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनको सेंस करते हुए, इन कीमोटैक्टिक कंपाउंड को सेंस करते हुए स्पर्म एग की तरफ मूव करता है, एग के पास आकर पहुंचता है। देखिए फॉलिकुलर फ्लूइड shows some chemotactic ability, only fertilizable follicles had chemotactic activity or only capacitated sperm respond। तो कल हमने एक concept बताया था कि mammals के case में क्या होता है, जब तक sperm की entry नहीं हुई होती है तब तक जो egg होता है वो कौन सी stage पर arrest रहता है, हमें कोई बताएगा, कोई answer करेगा, जिसने कल का lecture देखा है क्या वो answer करेगा, बताइए किस स्टेज पर मैमेलियन एग अरेस्ट रहता है, आंसर करिए, बताइए किस स्टेज पर मैमेलियन एग अरेस्ट रहता है, मेटाफेज, चलिए आप लोग नहीं बता रहे हैं हम ही बता देते हैं, मेटाफेज सेकेंड स्टेज पर, मेटाफेज मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड स्टेज पर
एग तब तक अरेस्ट रहता है जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती है. स्पर्म की एंट्री के बाद एग अपना मियोटिक डिवीजन. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस कार्बी, भास्कर, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है. बिल्कुल. तो तब तक अरेस्ट रहता है जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती. जब स्पर्म की एंट्री के बाद ये मियोसिस कंप्लीट होती है तो कीमोटैक्टिक एबिलिटी उन्हीं एग के पास होगी जो अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर चुके होंगे, कंप्लीटली मैच्योर हो चुके होंगे, है ना. और कीमोटैक्सिस को रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी, कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स को रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी उन स्पर्म्स के पास होगी जिनका कैपेसिटेशन हुआ होगा. तो ये दोनों प्रोसेसेस बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना. अनकैपेसिटेटेड स्पर्म कभी भी कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. इसीलिए समटाइम ऐसा होता है कि इजैकुलेशन के विद इन हाफ एन आवर कुछ स्पर्म्स जो होते हैं अपनी मोर्टिलिटी के थ्रू, हाई मोर्टिलिटी के थ्रू कहां पहुंच जाते हैं, एम्पुलरी रीजन पर पहुंच जाते हैं. लेकिन ऐसे स्पर्म कभी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो हमें अनकैपेसिटेटेड होते हैं. वो कैसे होते हैं? अनकैपेसिटेटेड. चलिए, अब जब स्पर्म कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स को सेंस करके कीमोटैक्सिस की प्रोसेस के थ्रू कहां पहुंच गया, एग के पास पहुंच गया, अब क्या होता है? एक्रोसोम रिएक्शन होती है. क्या होता है? एक्रोसोम रिएक्शन होती है. तो कल हमने फर्टिलाइजेशन के 5 स्टेप पढ़े थे. कौन कौन से स्टेप पढ़े थे? चलिए बताइए. यस, बिल्कुल, वेरी नाइस प्रभात. P39 सीमॉस प्रोटीन्स जो होती हैं वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट के लिए काम करती हैं. हाँ, कभी मौका मिला तो आप लोगों को सागा ऑफ जर्म लाइन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का. उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, है ना. जर्म सेल डिटर्मिनेशन का चैप्टर है वो. बहुत उसमें जीनोपर्स, ड्रोसोफिला, इन सब जगह कैसे डिटर्मिनेशन होता है, इन सब के बारे में बात दिया हुआ है. ठीक है, तो हम ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे. मुझे लगता है प्रभात जी ने ये पढ़ा हुआ है. चलिए चलिए, तो कल हम लोगों ने 5 स्टेप पढ़े थे फर्टिलाइजेशन के. चलिए बताना शुरू करिए, है ना, बताना शुरू करिए. सबसे पहला प्रोसेस क्या बोला था? कीमो अट्रैक्शन. सेकेंड प्रोसेस क्या बोला था? एक्सोसाइटोसिस. थर्ड प्रोसेस बाइंडिंग ऑफ स्पर्म. फोर्थ प्रोसेस किसी को याद नहीं है? पांचों स्टेप किसी को याद नहीं है? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है बताइए. कोई आंसर नहीं कर रहा है. किसी को पांचों स्टेप याद नहीं है? बाइंडिंग ऑफ स्पर्म, पासिंग ऑफ स्पर्म एंड फ्यूजन. ये 5 बेसिक स्टेप से जो हमने बोला था हर एनिमल के फर्टिलाइजेशन के दौरान देखने को मिलेगा, है ना. बिल्कुल. तो कीमो अट्रैक्शन हो गया. कीमो अट्रैक्शन के बाद क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? एक्रोसोम रिएक्शन होती है. और एक्रोसोम रिएक्शन के केस में क्या होगा? जितना भी एक्रोसोमल वेसिकल में कंटेंट है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो रिलीज हो जाएंगे. और जितना भी क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स एग के पास है उनका क्या होने लगेगा? रिमूवल होने लगेगा. तो वहां पर भी यही काम, सी अर्चिन में भी यही काम हो रहा था, यहां पर भी ये काम होगा. डिफरेंस क्या होता है यहां पर एक्रोसोम रिएक्शन में? देखिए, यहां पर एक्रोसोम रिएक्शन में डिफरेंस ये होता है कि सी अर्चिन में स्पर्म की जो एक्रोसोम रिएक्शन इनिशिएट हो रही थी वो पहले हो रही थी और बाइंडिंग बाद में हो रही थी, है ना. मैमल्स के केस में समटाइम्स ऐसा होता है कुछ स्पर्म एक्रोसोम रिएक्शन के पहले ही, बिफोर एक्रोसोम रिएक्शन जाकर एग से इंटरेक्ट कर जाते हैं, मतलब बाइंडिंग पहले हो जाती है. और कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जो आफ्टर एक्रोसोम रिएक्शन जाकर एग से, जोना पैलिसिडा से बाइंड करते हैं. ठीक. तो जो बिफोर एक्रोसोम रिएक्शन के होने से पहले एग से बाइंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म.
और जो आफ्टर एक्रोसोम रिएक्शन बाइंड करते हैं, जो अपना प्रोटियोलिटिक कंटेंट रिलीज कर चुके होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म. एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म. क्लियर? ये बात सभी को समझ में आती है? बताइए, ये बात सभी को समझ में आती है? गुड आफ्टरनून महाश्वेता जी, बताइए ये बात सभी को समझ में आती है? क्लियर है सभी को ये पॉइंट? अब बात करते हैं मैमल्स मैमिलियन एग की. ये तो बात हो गई स्पर्म की, है ना. अब बात करते हैं मैमिलियन एग की. मैमिलियन एग में क्या होता है? मैमिलियन एग में जोना प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जोना पैलोसिडा. तो जोना प्रोटीन मैमल्स के एग में तीन टाइप की जोना प्रोटीन होती है, ZP1, ZP2 एंड ZP3. और ह्यूमंस के एग में चार टाइप की जोना प्रोटीन होती है, ZP1, ZP2, ZP3 एंड ZP4. मैमल्स के केस में ZP2 एंड ZP3 जो होती हैं, वो कॉम्पिटेंट होती हैं स्पर्म से बाइंडिंग के लिए. कैसे? ZP2 और ZP3 किस तरीके से स्पर्म से बाइंड करती हैं? चलिए देखते हैं. कुछ पॉइंट्स को पहले रीड करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं. देखिए, एविडेंस फ्रॉम सेवरल स्पीसीज ऑफ मैमल्स इंडिकेट्स द सक्सेसफुल स्पर्म those that actually fertilize an egg means capacitated sperm have usually undergone the acrosome reaction by the time they are seen in the cumulus. It is thought that as the sperm draw closer to the egg, the higher level of progesterone induce the acrosome reaction. Progesterone ka higher level jo hota hai, wo acrosome reaction ko bhi induce karne ka kaam karta hai. While the mechanism activated by the progesterone is not known, the progesterone might trigger the release of the protein kinase A from the sperm cell membrane and thereby allowing to activate the sperm specific cation channels. Sperm specific cation channels. और जैसे ही sperm specific cation channels activate होंगे sperm cell membrane में, sperm में क्या हो जाएगा? Sperm के cytoplasm में cations का concentration high हो जाएगा. Sperm के cytoplasm में cations का concentration high होने की वजह से sperm cell membrane स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एक्रोसोमल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगी और फ्यूज होने के बाद रप्चर हो जाएगी और जितना भी एक्रोसोमल कंटेंट है वो रिलीज हो जाएगा, है ना. आती है बात समझ में सभी को? बताइए, तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करते हैं? एग्जैक्टली मैकेनिज्म अभी अननोन है, बट प्रोजेस्ट्रॉन कैसे क्या करते हैं? बाय द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए इन द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं? स्पर्म सेल मेम्ब्रेन में मैनी कैटायन चैनल्स को एक्टिवेट करा देते हैं, स्पर्म स्पेसिफिक कैटायन चैनल्स को. और ये कैटायन चैनल्स के एक्टिवेट होने की वजह से स्पर्म के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. और स्पर्म के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से स्पर्म सेल मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करती है और ये रप्चर हो जाती है. जितना भी प्रोटियोलिटिक कंटेंट यहां पर होता है वो रिलीज हो जाता है. क्लियर? ये प्रोसेस क्लियर है सभी को? बताइए, ये प्रोसेस क्लियर है सभी को? ये प्रोसेस क्लियर है? ओके. चल, अब जो रिसेंट मॉडल आया है स्पर्म रिकॉग्निशन का, उसके बारे में बात करते हैं. रिसेंट मॉडल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म बाय द माउस जोना पैलोसिडा. तो पाथवे वन का केस देखिए. सबसे पहले पाथवे वन देखिए. पाथवे वन के केस में एग की जो जोना प्रोटीन है, ZP2 प्रोटीन है, वो किससे बाइंड करती है? वो एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म से बाइंड करती है. मतलब ZP2 एग में जो ZP2 प्रोटीन है वो हमेशा उन स्पर्म से बाइंड करेंगी जिनमें एक्रोसोम रिएक्शन हो गई हो, एक्सोसाइटोसिस हो गई हो और एक्रोसोमल कंटेंट रिलीज हो गया हो, तब ZP2 उनसे बाइंड करेगी. और क्या करेगी? थ्रू द जोना पैलोसिडा
मूवमेंट होगा, देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होगा, और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होने पर ZP2 का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है या इनएक्टिवेशन हो जाता है अगर एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म से ZP2 बाइंड कर रही है। लेकिन अगर इंटरैक्ट करने वाला स्पर्म कैसा है, एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म है, अगर एग से इंटरैक्ट करने वाला जो स्पर्म है वो एक्रोसोम इंटैक्ट है, यानी कि ऐसा स्पर्म है जिसमें अभी तक क्या नहीं हुआ है, एक्रोसोम रिएक्शन नहीं हुई है, तो अब ये स्पर्म एग में प्रेजेंट ZP2 से नहीं किससे बाइंड करेगा, ZP3 से बाइंड करेगा। तो हमेशा याद रखना, ZP2 से एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म इंटरैक्ट करते हैं, जबकि जिन स्पर्म्स में एक्रोसोम रिएक्शन नहीं हुई होती है वो किससे बाइंड करते हैं, एग में प्रेजेंट ZP3 से बाइंड करते हैं। जैसे ही ZP3 से एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म बाइंड करेंगे, एक्रोसोम रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये किससे बाइंड करेंगे, अब ये ZP2 से बाइंड करेंगे, अब ये ZP2 से बाइंड करेंगे। तो ZP3 से अगर एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म है तो वो पहले किससे बाइंड करेगा, ZP3 से बाइंड करेगा, देन उसके बाद एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म में कन्वर्ट होगा और देन ZP2 से बाइंड करेगा। लेकिन अगर एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म है जिसमें एक्रोसोम रिएक्शन हो चुकी है तो वो डायरेक्टली ZP2 से बाइंड कर जाएगा। ये मॉडल सभी को समझ में आता है, बताइए ये मॉडल सभी को समझ में आता है, क्लियर है ये बात सभी को, आंसर करिए बताइए ये बात सभी को क्लियर है, ओके डन। तो ये हो जाती है क्या, एक्रोसोम रिएक्शन हो जाती है। अब एक्रोसोम रिएक्शन के बाद क्या होगा, जब ZP2 और ZP3 से बाइंडिंग हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, ZP2 या ZP3 के से अगर बाइंडिंग होगी तो उसके बाद ZP2 से बाइंडिंग होगी, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मूवमेंट होगा जोना पैलिसिडा के थ्रू, फिर एग सेल मेम्ब्रेन और स्पर्म सेल मेम्ब्रेन का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन कैसे होगा, गैमेट्स का फ्यूजन कैसे होगा ये देखते हैं। देखिए गैमेट फ्यूजन में कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बुक से देखते हैं, गिलबर्ट से देखते हैं इस प्रोसेस को। देखिए गैमेट फ्यूजन तो एक्रोसोम रिएक्शन के केस में क्या होता है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अच्छा पॉइंट है, इस टाइप के स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। द एक्रोसोम रिएक्शन इन addition to expelling the enzymatic content of the acrosome also exposes the inner acrosomal membrane to the outside, जैसा कि सी अर्चिन में हो रहा था, जैसे ही क्या हो रहा था, acrosomal content release हो रहा था, inner acrosomal membrane क्या हो जा रही थी, expose हो जा रही थी। The junction between this inner acrosomal membrane and sperm cell membrane is called as equatorial region, and this is the region where membrane fusion between sperm and egg begins, है ना? तो जैसे यहाँ पर, जैसे sea urchin में कैसे हो रहा था, as in sea urchin gamete fusion, the sperm is bound to the region of egg where actin polymerizes to extend microvilli to the sperm. Same ऐसे ही mechanism क्या किसमें देखने को मिलेगी, mammalian fusion में। तो equatorial region, एक्रोसोम रिएक्शन हुई और एक्रोसोम रिएक्शन के बाद ये स्पर्म में प्रेजेंट जो इज्यूमो प्रोटीन थी, गैमेट फ्यूजन के लिए स्पर्म में इज्यूमो प्रोटीन प्रेजेंट होती है और एग के केस में आपको ज्यूनो प्रोटीन देखने को मिलती है, ज्यूनो प्रोटीन, है ना? तो इज्यूमो प्रोटीन जब एक्रोसोम का रिएक्शन हो जाता है, इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एक्सपोज होती है, तो उस केस में क्या होता है, जो इज्यूमो प्रोटीन है, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है इज्यूमो प्रोटीन, ये इसका क्या हो जाता है, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किस पे, इक्वेटोरियल रीजन पे। अब हमने देखा कि इन गैमेट फ्यूजन जो के दौरान इक्वेटोरियल रीजन इंटरैक्ट करेगा, तो
ये इज्यूमो प्रोटीन कहां आ गई, इक्वेटोरियल जंक्शन पर आ गई और माइक्रोविलाइज पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाइज पर क्या प्रेजेंट है, ये जो ब्लू ब्लू कलर की दिख रही है ये जूनो प्रोटीन्स और ये इज्यूमो प्रोटीन्स। गैमेट फ्यूजन के दौरान स्पर्म और एग का कि इज्यूमो और जूनो प्रोटीन का इंटरेक्शन होगा और जहां पर ये दोनों प्रोटीन इंटरेक्ट करेंगी वहां पर एक प्रोटीन को रिक्रूट कराएंगी जिसे क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोटीन होती है, दैट इज CD9। कौन सी प्रोटीन होती है, CD9। और CD9 के रिक्रूटमेंट के थ्रू गैमेट फ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, बताइए क्लियर है ये प्रोसेस सभी को, ये प्रोसेस क्लियर है सभी को। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द इंटरेक्शन ऑफ इज्यूमो एंड ज्यूनो प्रोटीन रिक्रूट्स द एग मेम्ब्रेन प्रोटीन CD9 टू द एरिया ऑफ स्पर्म एग एडहेशन। दिस प्रोटीन अपीयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, दिस प्रोटीन अपीयर्स टू बी इन्वॉल्व विद द स्पर्म एग फ्यूजन सिंस फीमेल माइस विद द CD9 जीन नॉक्ड आउट आर इनफर्टाइल ड्यू टू द फ्यूजन डिफेक्ट्स। अगर CD9 को नॉकआउट कर दिया जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, फ्यूजन डिफेक्ट की वजह से माइस इनफर्टाइल हो जाएगी। इट इज नॉट नोन हाउ एग्जैक्टली हाउ दीज प्रोटीन फैसिलिटेट मेम्ब्रेन फ्यूजन बट CD9 प्रोटीन इज ऑल्सो नोन टू बी क्रिटिकल फॉर द फ्यूजन ऑफ मायोसाइट्स टू फॉर्म स्ट्रेटेड मसल्स। क्लियर, तो इस तरीके से क्या होगा, गैमेट फ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, गैमेट फ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब गैमेट फ्यूजन के बाद क्या होगा, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन होगा, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन का प्रोसेस होगा। फास्ट ब्लॉक प्रोसेस हमें सी अर्चिन के केस में देखने को मिलता है, मैमल्स के केस में देखने को नहीं मिलता है। मैमल्स के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन तो मैमल्स के केस में आपको क्या देखने को मिलती है, कॉर्टिकल स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी देखने को मिलती है। अब व्हेन द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूज विद द एग सेल मेम्ब्रेन दे रिलीज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स दैट मॉडिफाई द ज़ोना पैलुसिडा प्रोटीन सच दैट दे कैन नो लॉन्गर बाइंड स्पर्म। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर भी जब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन हो रही थी तो क्या हो रहा था, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल थे, बताइए कौन से आयन्स रिस्पॉन्सिबल थे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए कौन से आयन्स रिस्पॉन्सिबल थे, किसी को आइडिया नहीं है, कैल्सियम आयन, इंट्रासेलुलर कैल्सियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन इनिशिएट हो रही थी। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स किसके होमोलॉगस होते हैं, एक्रोसोम वेसिकल्स के, मतलब इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के, हाँ इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपकी एक्सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है जो बीनीथ द एक्सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही पहले स्पर्म की बाइंडिंग होती है, जैसे ही पहले स्पर्म की बाइंडिंग होती है, इंट्रासेलुलर पाथवे रन होने की वजह से IP3 पाथवे के रन होने के कारण PLC का एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से PLC का एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होता है, PIP2 का क्लीवेज होता है और PIP2 IP3 आइनोसेटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट में और डाइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। IP3 साइटोसोलिक होता है, ये कहां पर आता है, साइटोसोल में, जहां पर ER की मेम्ब्रेन पर IP3 के लिए IP3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही IP3 की बाइंडिंग उन रिसेप्टर से होती है, कैल्सियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ER में कैल्सियम आयन, ER से कैल्सियम आयन कहां आने लगते हैं, साइटोसोल में आने लगते हैं और साइटोसोल में कैल्सियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और इन बढ़ी हुई कैल्सियम आयन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होने लगता है, इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फ्यूजन होने लगता है एग सेल मेम्ब्रेन से। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस जैसा हमने कल सी अर्चिन में देखा था।
जब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपस में फ्यूज करते हैं तो इनके पास जितना भी प्रोटियोलिटिक कंटेंट होता है वो रिलीज हो जाता है। और उस प्रोटियोलिटिक कंटेंट का काम क्या होता है, ZP2 और ZP3 प्रोटीन्स, स्पेशली ZP2 प्रोटीन्स को रिमूव करना ताकि अब दूसरा कोई भी स्पर्म एग से इंटरेक्ट ना हो सके। चलिए तो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला ओवेस्टेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है ओवेस्टेशन से, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है ना। When ZP2 is cleaved by the ovestesin, it loses its ability to bind a sperm. Indeed, polyspermy occurs more frequently in mouse bearing mutant ZP2 that cannot be cleaved by the ovestesin. अगर ZP2 में ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि ovestesin उसे क्लीव ना कर पाए तो उस केस में क्या होगा, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट नहीं होगी। तो मोनोस्पर्मी को इंश्योर करने के लिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रोटीओसिस में जो प्रोटीज प्रेजेंट होता है दैट इज ओवेस्टेसिन, जिसका काम होता है ZP2 को रिमूव करना, क्लिप ऑफ करना। सेकेंड जो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज जिंक स्पार्क। जब पहले स्पर्म की बाइंडिंग होती है तो बिलियंस ऑफ जिंक आयंस रिलीज होते हैं और ये बिलियंस ऑफ जिंक आयंस जोना पैलोसिडा के चारों तरफ क्या बना लेते हैं, एक जिंक शील्ड बना लेते हैं। और इस शील्डिंग की वजह से, इस शील्ड के फॉर्म होने की वजह से अब कोई भी दूसरा स्पर्म एग से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। और कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, जूनो प्रोटीन भी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के लिए जूनो प्रोटीन भी काम करती है और ये जूनो प्रोटीन भी पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करती है। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Another slow block to polyspermy involves the zooprotein. As the sperm and egg membrane fuse, zooprotein appears to be released from the plasma membrane. Thus, the docking site for a sperm would be removed. Moreover, the soluble zooprotein can bind a sperm in the pre-vitelline species between the zona pallucida and oocyte, thereby preventing the sperm from seeing any zooprotein that may still reside on the oocyte membrane. और पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन होने के बाद क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन होता है, जेनेटिक मटेरियल। और वैसे ही फ्यूजन होता है जैसे हमने सी अर्चिन में प्रोन्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा था, उसी तरीके से यहां पर भी इंटायर साइटोप्लाज्म एग से डिराइव होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल एंटर करते हैं और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, एस्टररेस का फॉर्मेशन होता है बाय द स्पर्म सेंट्रियोल और इन एस्टररेस को फॉलो करते हुए जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग के पास होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म सेल के पास होता है और बनने वाले जाइगोट के पास क्या होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्लियर, दैट इज ऑल अबाउट मैमेलियन फर्टिलाइजेशन। आप लोगों को ये पूरा रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। यस, फिटिलिन बी इनहिबिट्स ओवेस्टेसिन, वेरी नाइस प्रभात, फिटिलिन बी इनहिबिट्स ओवेस्टेसिन। तो ये पूरा आपको अच्छे से मैमेलियन फर्टिलाइजेशन रिवाइज करना है। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है हम जो यहाँ पर क्वेश्चन कराते हैं उसके बाद आप लोग क्वेश्चन ना करें, खुद से भी देखा करिए कि और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको सॉल्व किया करिए, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट डे की क्लास में बात करेंगे। तो हम लोगों ने जाइगोट का फॉर्मेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग जाइगोट में क्लीवेज कैसे होता है, सेल्स में मूवमेंट कैसे होता है, क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है और उसके बाद जब बहुत सारी सेल्स बन जाती है तब वो किस तरीके से स्पेसिफिकेशन में जाती हैं, किस तरीके से अपने पर्टिकुलर फेट के लिए डिटरमाइन होती हैं, फिर कैसे पर्टिकुलर सेल टाइप को अचीव करने के लिए डिफरेंशिएट होती है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपको फर्टिलाइजेशन दे के जाएगा, चाहे सी अर्चिन से पूछे या मैमल से पूछे, और एक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी डेफिनेटली पूछा ही जाता है, ठीक है। तो हमने जाइगोट का फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब जाइगोट में क्लेवेज के बाद बनने वाली सेल्स कैसे अपने फेट को अचीव करेंगी उसके बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। चलिए अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं।
चलिए देखिए, हम लोगों ने इतनी देर जो रिवाइज किया है उसे देखते हैं क्या बेनिफिट हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। इन एन एक्सपेरिमेंट स्पर्म रिमूव्ड फ्रॉम द एपिडिडाइमस ऑफ अ मेल माउस। हाँ बिल्कुल, आप प्रभजोत जी, हम बिल्कुल मैमिलियन डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट और आईसीएम सेल्स किस तरीके से पर्टिकुलर फेट को अचीव करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, मेल माउस वॉज एडेड इन अ डिश कंटेनिंग अप्रोप्रिएट मीडिया एंड ऊसाइट। नो फर्टिलाइजेशन वॉज सीन। हाउएवर व्हेन स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस वर डायरेक्टली प्लेस्ड इन यूटरस ऑफ एन ओव्यूलेटेड फीमेल, शी बिकेम प्रेग्नेंट। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट the sperm need to travel some distance to attain fertilizing ability. Second, the oocyte secretes some biochemicals or factors which help sperm to fertilize. The hormones in body help sperm to attain fertilization ability. Fourth, the contents of female reproductive tract interact with sperm and activate it for fertilization. Bataiye, which option is correct? Fourth option. Yes, very nice. Fourth option is correct. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बस इतने लोगों को आंसर समझ में आया। फोर्थ ऑप्शन क्यों? पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रैवलिंग से क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी गेन नहीं होगी। सेकंड क्या दिया हुआ है, ऊसाइट से आने वाले बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को मेंटेन नहीं करते हैं। कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी मेंटेन होती है। द हॉर्मोन्स इन बॉडी हेल्प स्पर्म अटेन टू फर्टिलाइजिंग, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमंस। बताइए कहां पर होता है, कहां पर होता है ह्यूमंस के केस में कैपेसिटेशन? अकर्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन, अकर्स आफ्टर द एक्रोसोम रिएक्शन, टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट, टेक्स प्लेस इन द एपिडिडाइमस ऑफ द टेस्टिस। बताइए कहां पर होता है, बताइए, आंसर करिए। यस यस, वेरी नाइस, टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट। कहां पर होता है? एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक डी ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप लोगों को विजिबल नहीं है। मे बी हम डी ऑप्शन यहां पर, फोर्थ ऑप्शन हम यहां पर नो लिख दे रहे हैं, ए सी एंड डी, ठीक है। चलिए, कैपेसिटेशन ऑफ मैमेलियन स्पर्म्स अलाउज देम टू बी एक्टिवेटेड विद इन द यूटरस एंड फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग कैपेसिटेशन। पहला स्टेटमेंट क्या दी हुई है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द स्पर्म हेड। बिल्कुल, कैपेसिटेशन के दौरान कोलेस्ट्रॉल रिमूवल होता है। बी ऑप्शन बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स, रिमूवल ऑफ नॉन कोवेलेंट कोवेलेंटली बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। बताइए बी ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? इट इज ट्रू। बिल्कुल, इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ फाइब्रोनेक्टिन, यस, फाइब्रोनेक्टिन का एक्सप्रेशन भी इंक्रीज होता है। डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कैल्सियम आयन। कैल्सियम आयन की परमेबिलिटी डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है। कैल्सियम आयन की परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। क्योंकि जब, जैसे कि अभी हमने पूरा फर्टिलाइजेशन पढ़ा, तो हमने देखा सबसे लॉन्ग रेंज मैकेनिज्म कौन सी होती है, रियोटैक्सिस। ये तब इनिशिएट होती है जब स्पर्म कहां होता है, सर्वाइकल रीजन में होता है। मॉडरेट रेंज पर कौन सी होती है, थर्मोटैक्सिस। कौन सी होती है? थर्मोटैक्सिस, जब टेम्परेचर को सेंस करता है। ये तब होती है जब, लॉन्ग रेंज मैकेनिज्म तब होती है जब स्पर्म अनकैपेसिटेटेड होता है। मॉडरेट रेंज पर तब होती है जब स्पर्म का कैपेसिटेशन हो जाता है। और जो सबसे नियरेस्ट रेंज होती है या शॉर्ट रेंज होती है, वो कौन सी मैकेनिज्म होती है? दैट इज कीमोटैक्सिस। तो जब कीमोटैक्सिस की मैकेनिज्म होती है, उस टाइम पर जो कैल्सियम आयन परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। स्पर्म टेल में जो कैल्सियम आयन चैनल्स होते हैं, जो कैटस्पर जीन्स होते हैं, वो कैल्सियम आयन चैनल्स को इनकोड करते हैं और कैल्सियम आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और ज्यादा से ज्यादा कैल्सियम आयन इनफ्लक्स की वजह से क्या होता है, स्पर्म हाइपर एक्टिव होता है और एग की तरफ बहुत तेजी से मूव करता है। तो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन कैसा है, इनकरेक्ट है।
ओके हाँ डी ऑप्शन इनकरेक्ट है बिल्कुल. तो ए बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट. सी ऑप्शन इज करेक्ट यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमन स्पर्म्स आर अलाउड टू फर्टिलाइज ओवा हैविंग नॉन फंक्शनल ओवेस्टेसिन. देखिए ओवेस्टेसिन से क्वेश्चन आ गया. ओवेस्टेसिन से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने. फंक्शनल ओवेस्टेसिन द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस इन द फ्यूजन ऑफ दीज गैमिट्स. पहली स्टेटमेंट इन्होंने क्या दे के रखी है. पहली स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है. द स्पर्म विल नॉट फर्टिलाइज ओवा है ना. स्पर्म विल नॉट फर्टिलाइज ओवा. तो अगर अगर ओवेस्टेसिन नॉन फंक्शनल होगा तो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन नहीं होगा. स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन नहीं होगा क्योंकि ZP2 का रिमूवल नहीं होगा. तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल उससे कोई रिलेट नहीं करता है ना. स्पर्म विल नॉट फर्टिलाइज द ओवा तो ये इनकरेक्ट है. बी ऑप्शन क्या कहता है. द स्पर्म विल बाइंड एंड पेनिट्रेट द जोना पैलुसिडा बट विल नॉट बी एबल टू फ्यूज विद ओवम मेम्ब्रेन. इससे भी कोई लेना देना नहीं है, है ना. ओवेस्टेसिन के रिमूवल से स्पर्म के बाइंडिंग का ओवा से फ्यूजन का कोई लेना देना नहीं है. क्लियर नहीं दिख रहा है शिवम जी. हम समझ सकते हैं थोड़ा सा ब्लर्ड है. सॉरी थोड़ा सा ब्लर्ड है ये क्वेश्चन. थोड़ा सा ब्लर्ड है हम समझ सकते हैं. 2018 में दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है शिवम. तो आप ऐसा करिए आप 2018 वाला पेपर खोल लीजिए वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो रहा है ना. ओके चलिए तो बी ऑप्शन भी क्या है इनकरेक्ट है. सी ऑप्शन बताइए. ZP2 विल नॉट बी क्लिप्ड बाय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रोटीज. इज इट ट्रू और फॉल्स. इज इट ट्रू और फॉल्स. अच्छा भास्कर जी ने और रिया ने बता भी दिया सी एंड डी ऑप्शन. चलिए बाकी लोग आंसर करिए. सी ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है. सी ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है आंसर करिए. धर्मेंद्र जी कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. ट्रू है. वेरी नाइस. वेरी नाइस अनिंदिता. वेरी नाइस अनिंदिता. चलिए तो सी ऑप्शन करेक्ट है. CD9 प्रोटीन ऑफ एग मेम्ब्रेन. एग मेम्ब्रेन CD9 प्रोटीन ऑफ एग मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई विल नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट विथ स्पर्म मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ओवेस्टेसिन. तो इसका भी कोई लेना देना है क्योंकि CD9 का रिक्रूटमेंट कब होता है. जब गैमेट का फ्यूजन होता है. और इसके रिक्रूटमेंट में कौन इन्वॉल्व होता है. इज्यूमो और जूनो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है. कौन इन्वॉल्व होता है. इज्यूमो और जूनो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है. तो डी ऑप्शन कैसा है. ट्रू है या फॉल्स है बताइए सभी ने. डी ऑप्शन कैसा है. ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू है या फॉल्स है. अच्छा सुमित जी भी आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन. ओके वेरी नाइस. हाँ फॉल्स है. डी ऑप्शन फॉल्स है. ई ऑप्शन कैसा है. पॉलीस्पर्मी में अकर फ्रीक्वेंटली. यस अगर ओवेस्टेसिन का रिमूवल हो जाएगा तो पॉलीस्पर्मी होने लगेगी. मोनोस्पर्मी नहीं होगा. क्या होने लगेगा. पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन नहीं होगा. तो पॉलीस्पर्मी में अकर फ्रीक्वेंटली यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड ई ऑप्शन इज करेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सेकेंड ऑप्शन सही मिलेगा. सी एंड ई है ना. सी एंड ई. यस ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है. ये भी देख लेते हैं. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स प्रोटीन इज्यूमो एंड ज्यूनो आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड एग. इज्यूमो एंड ज्यूनो आर फाउंड स्पेसिफिकली इन स्पर्म एंड एग रिस्पेक्टिवली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन वीवो एक्सपेरिमेंट विल डेमोन्स्ट्रेट दैट इज्यूमो एंड ज्यूनो इंटरैक्ट विद ईच अदर. पहला केस दिया हुआ है इन स्पर्म फ्रॉम अ मेल माउस वेयर इज्यूमो हैज बीन नॉक्ड आउट एंड यूज्ड टू फर्टिलाइज एग फ्रॉम अ नॉर्मल फीमेल. नो फर्टिलाइजेशन अकर. नो फर्टिलाइजेशन अकर. तो हमें क्या बताना है. हमें इज्यूमो और जूनो के बीच का इंटरेक्शन बताना है. किस एक्सपेरिमेंट से हमें इस इंटरेक्शन का पता चलेगा है ना. तो अगर हम इज्यूमो प्रोटीन को ही रिमूव कर देंगे नॉकआउट कर देंगे तो हमें
ज्यूमो और दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है ये पता नहीं चलेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. सेकेंड ऑप्शन होल माउंट इम्यूनोस्टेटिंग फॉर ज्यूमो एंड जूनो shows its presence on the sperm and egg respectively. ये इससे भी हमें पता नहीं चलेगा. थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, if a CFP fused ज्यूमो protein is mixed with YFP fused ज्यूनो protein in a tube, fret occurs, that is when CFP is excited, emission of YFP is observed. ये ऑप्शन सही होता अगर इन्होंने इन अ ट्यूब नहीं दिया होता. ये कैसा हो रहा है, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट दिया है इन्होंने. और यहां पर इन्होंने क्या पूछा है, इन वीवो एक्सपेरिमेंट पूछा है. तो भास्कर जी थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा. क्यों, क्योंकि यहां पर इन्होंने दे दिया इन अ ट्यूब. तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट हो गया, इन विट्रो हो गया, इन वीवो नहीं हुआ. यस वेरी नाइस अनिल, है ना. अब फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टू इंडिपेंडेंट किडनी सेल लाइंस आर डेवलप. दो इंडिपेंडेंट किडनी सेल लाइंस को डेवलप किया और एक पर इज्यूमो का एक्सप्रेशन कराया, दोनों दूसरे पर दोनों का एक्सप्रेशन कराया और उसके बाद दोनों सेल्स को मिक्स कर दिया. और उसके बाद इन्होंने देखा कि दोनों सेल्स क्या हो गई, एग्रीगेट हो गई. क्या लिखा हुआ है, दे टेंड टू एग्रीगेट विद ईच अदर. और इससे हमें क्या पर एग्रीगेशन का तभी देखने को मिलेगा जब क्या होगा, जब इज्यूमो और जूनो के बीच में इंटरेक्शन होगा और ये प्रोसेस इन वीवो है. दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. आया समझ में, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट क्यों है. यस ओके, कोई बात नहीं भास्कर जी, कोई बात नहीं. अभी यहां यही चीजें आप लोगों को सही करनी है, ठीक है. रिवीजन के दौरान ये चीजें आप लोगों को ध्यान देनी कि स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि वहां पर ये गलतियां ना हो, है ना. थैंक यू सो मच. दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. कल हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद.